एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो मैं हूँ आप सभी की इंग्लिश की एजुकेटर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, डीप वाटर। डीप वाटर के हमने एमसीक्यूज कर रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को इंग्लिश की क्लास 12th की। और आज हम इसके करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि आपको एक्सट्रैक्ट दिया होगा और फिर नीचे एमसीक्यूज दिए होंगे और हमें वो सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सट्रैक्ट रीड करना है, तो चलिए जल्दी से फटाफट कर लेते हैं रीड। माई इंट्रोडक्शन टू द वाई एम सी ए स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीसेंट मेमोरीज एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर्स, बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे ये वाला कौन से चैप्टर का, 3 का मैंने आपको पहले बता दिया और डीप वाटर का है। तो ये हो गया आपका एक्सट्रैक्ट। इसमें इन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया इसमें कि जो इनको थोड़ा सा डर लगता था, अपना जो चाइल्डिश फियर था वो इनको वो मेमोरीज याद आ जाती हैं स्विमिंग पूल की, जब ये स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। एक तो अपने फादर के साथ, दूसरा फिर 3 बार गिरे हैं ना ये, तो एक तो अपने फादर के साथ गिरे थे स्विमिंग पूल में, दूसरी बार आप बताइए कब गिरे थे, तीसरी बार आई थिंक ये गिरे थे, एक लड़के ने इनको धक्का दे दिया था और फिर ये गिर गए थे। और ये डूब वो वाला जो इनका कहते हैं ना कि वो वाला जो इनका मूवमेंट था, हर टाइम जो भी जैसे भी वो गिरे वो इनका सबसे खराब आज तक का इंसिडेंट था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अनप्लीसेंट मेमोरीज ऑफ द राइटर। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो राइटर है उसकी क्या अनप्लीसेंट मेमोरीज थी। तो क्या क्या थी, फर्स्ट ऑप्शन है हिज फाइट विद हिज फ्रेंड, सेकेंड है टीचर्स कॉल्डिंग इन द स्कूल, थर्ड है हिज फियरफुल एक्सपीरियंस ऑन द बीच इन कैलिफोर्निया व्हेन ही वॉज 3 or 4 years old। यस, जो सबसे पहला था वो इनका कैलिफोर्निया में हुआ था बीच पे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। उनका फियरफुल वाला एक्सपीरियंस था जब वो 3 या 4 साल के थे, तभी कैलिफोर्निया के एक बीच पे वो अपने फादर के साथ गए हुए थे और तब वो जो पानी है उसमें गिर गए थे। क्योंकि जैसे हम राइडिंग करते हैं पानी पे, बोट सी होती है वो उस पर स्लाइड करते हैं, वो अपने फादर के साथ थे लेकिन वो स्लिप हो गए और वो गिर गए उसमें। तो उनका वो एक्सपीरियंस जो था वो अनप्लीसेंट मेमोरी थी राइटर की। राइटर कौन है इस चैप्टर के, विलियम डगलस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द राइटर ओवरकम हिज चाइल्डहुड फियर इन वाई एम सी ए पूल। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो राइटर हैं हमारे विलियम डगलस जो हैं, उन्होंने अपने चाइल्डहुड के फियर से कैसे ओवरकम पाया, वो भी वाई एम सी ए पूल में। तो फर्स्ट है बाय रीडिंग बुक्स ऑन स्विमिंग, सेकंड है फिल्म डिटरमिनेशन टू लर्न स्विमिंग, थर्ड है हिज फ्रेंड हेल्प हिम अलॉट, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, विद फिल्म डिटरमिनेशन टू लर्निंग स्विमिंग, लर्न स्विमिंग, क्योंकि इन्होंने स्विमिंग सीखी थी, इन्होंने अपने लिए एक ट्यूटर भी रखा था जिसको अच्छे से स्विमिंग आती थी और वो इसको अलग अलग तरीके से सिखाता था ताकि अच्छे से स्विमिंग को सीख जाए और फ्यूचर में ऐसा कुछ इसके साथ ना हो, इसीलिए ये अपने फियर पर ओवरकम पाना चाहते थे। सो देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्क्राइब्स द राइटर बेस्ट। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो राइटर है क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है कि वो बेस्ट हैं। तो फर्स्ट है बोल्ड, सेकंड है स्केयर्ड, थर्ड है टीमिड, एंड फोर्थ है स्ट्रॉन्ग विल्ड। तो उनकी जो विलिंग पावर थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तभी वो अपने फियर पे ओवरकम उन्होंने हासिल किया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है हमारे पास सेकेंड वाला। तो देखिए इसमें है, इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 or 11 years old, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, देर वॉज अ पूल एट द वाई एम सी ए इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, द याकिमा रिवर वॉज टीचरस मदर continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river, but the YMCA pool was safe। तो ये वाला उन्होंने अपना इंसिडेंट कौन सा बताया है,
ये जब वो 10 और 11 ईयर्स ओल्ड थे वो वाला है, जिसमें कि वो स्विमिंग सीखना चाहते थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो स्विमिंग सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट डज इट रेफर टू, जो इट है वो किसके लिए रेफर किया गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट है ऑप्शन है गोइंग टू स्कूल, सेकेंड है ज्वाइनिंग अ स्विमिंग क्लब, थर्ड है हिज डिसीजन टू लर्न स्विमिंग, एंड फोर्थ आर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हिज डिसीजन टू लर्न स्विमिंग। जो इट है वो किसके लिए रेफर किया गया है, उसके डिसीजन के लिए जो उसने तय किया था कि वो स्विमिंग को सीख लेगा। बी वाला देखिए, वोम डज आई रेफर टू, यहाँ पे जो आई है वो किसके लिए रेफर किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कोच एट द स्विमिंग पूल, सेकंड है स्कूल बॉय, थर्ड है द नरेटर, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, द नरेटर। जो नरेटर है उसने अपने लिए आई का यूज़ किया है यहाँ पे। अब नरेटर कौन है, विलियम डगलस है हमारे। फिर सी वाला क्वेश्चन देखिए, सी है हमारे पास, वाई इज़ याकिमा रिवर रेफर्ड टू एज टीचरस। इस क्वेश्चन बोला गया कि जो याकिमा रिवर है उसको टीचरस के उसमें रेफर क्यों किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट हैड डेंजरस वाटर एनिमल्स, सेकेंड है सेवरल ड्रॉबिंग्स took place in it, third है its water was poisonous, and fourth none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, several drawings took place in it। ठीक है, फिर आपका डी वाला है, इस एक्सट्रैक्ट का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट ही क्वेश्चन है। और आपका ग्रामर पोर्शन मैंने कंप्लीट करा दिया है अपने तरफ से, मैंने आर्टिकल राइटिंग करा दिया आपका, और लेटर राइटिंग करा दिया है, और मैंने आपका नोटिस राइटिंग करा दिया है, एडवर्टाइजमेंट करा दिया। तो ये चार चीज़ें आ रही थी जो मैं आपके करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, ज़रूर देखना इसे, क्योंकि ग्रामर पोर्शन हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि लिटरेचर पोर्शन होता है। साथ ही साथ अगर आपने जो वो वाली वीडियो नहीं देखी है कि हम अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करें, उसकी ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स मैंने उस वीडियो में बताई है, तो आप उसे जाके चेक ज़रूर करें, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 14 नंबर आपको दिलाएगी, 14 नंबर के आपका सेक्शन ए आएगा ना इस साल, तो उसमें से अनसीन पैसेज आएंगे, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हमें करना। और देखिए फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज वाई एम सी ए पूल सेफ, जो वाई एम सी ए पूल है वो सेफ क्यों है, ये हमसे क्यों था, ये हमसे पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट हैड एक्सपर्ट कोचेस, सेकंड है इट्स वाटर वॉज ट्रांसपेरेंट, थर्ड है इट वॉज ओनली 2 to 3 feet डीप एट द शैलो एंड, एंड फोर्थ है None of the above। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, इट वॉज ओनली 2 to 3 feet डीप, यानी कि वो जो वाई एम सी ए पूल है वो इसलिए सेफ है बिकॉज वो 2 से 3 feet ही गहरा है, उससे ज़्यादा वो गहरा नहीं है, इसीलिए वहाँ पे डूबने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाती है आपके चैप्टर नंबर, कौन सा कराया मैंने, चैप्टर नंबर 3 कराया ना, तो ये मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर नंबर 2 भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, उसे भी फटाफट से मैंने कराए हैं, उसके भी और चैप्टर 1 के भी मैंने दोनों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करा दिए हैं। और अगर आपने MCQs नहीं देखे किसी चैप्टर के तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलते हैं ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट के, जैसे कि इको हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश आप अभी पढ़ रहे हैं, होम साइंस है हिंदी में, तो आप जल्दी से इसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।